वेलकम टू पनीशिया ट्यूटर। हम कर रहे हैं स्टैटिक जीके के सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक की सीरीज, और इस सीरीज में एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आई हूँ मैं आज आपके लिए, जिसका नाम है इम्पोर्टेंट बॉर्डर लाइन्स। और बहुत सारे हमारे वर्ल्ड में ऐसी कंट्रीज हैं जिनके बॉर्डर लाइन का कुछ स्पेसिफिक नेम है, और यही हो जाता है हमारे लिए इम्पोर्टेंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक, स्टार्टिंग विद आवर फर्स्ट बॉर्डर। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं मैकमोहन लाइन के बारे में। तो मैकमोहन लाइन जो है वो कौन कौन सी दो कंट्रीज के बीच में है, ये है चाइना एंड इंडिया के बीच में। तो इंडिया और चाइना आपस में जो बॉर्डर शेयर करते हैं उस लाइन को हम बोलते हैं मैकमोहन लाइन। जैसे कि ये आपको मैप में दिखाई दे रहा है, ये जो रेड कलर की लाइन है ये है मैकमोहन लाइन। ये जो पर्टिकुलर मैकमोहन लाइन है ये नेम किसने दिया था और ये किसने ड्रॉ की थी, तो ये लाइन ड्रॉ की थी सर हेनरी मैकमोहन ने इन अ ईयर 1914। तो ये भी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है कि मैकमोहन लाइन किसने दी थी, ये दी थी सर हेनरी मैकमोहन ने, कौन से ईयर में, 1914 में। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट बॉर्डर, नेक्स्ट लाइन है हमारे पास रेड क्लिफ लाइन। ये जो रेड क्लिफ लाइन है ये कौन कौन सी कंट्रीज का शेयरिंग बॉर्डर है, ये है पाकिस्तान और इंडिया का शेयरिंग बॉर्डर। मतलब पाकिस्तान और इंडिया आपस में जो बॉर्डर शेयर करते हैं उसे हम बोलते हैं रेड क्लिफ लाइन। और इसके साथ साथ इंडिया एंड बांग्लादेश, क्योंकि बांग्लादेश को पहले ईस्ट पाकिस्तान के नाम से भी जाना जाता था, तो आज के टाइम में इंडिया और बांग्लादेश जो बॉर्डर शेयर करते हैं उसे भी हम रेड क्लिफ लाइन के नाम से ही जानते हैं। ये लाइन हमें किसने दी थी, ये लाइन दी थी सर सिरिल रेड क्लिफ ने इन द ईयर ऑफ 1947। जब 1947 में इंडिया एंड पाकिस्तान का डिवीजन हुआ उस टाइम पे जो लाइन ड्रॉ की गई थी उसका नाम है रेड क्लिफ लाइन। बहुत इंपॉर्टेंट है ये हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे बढ़ते हैं अगली लाइन की तरफ, नेक्स्ट लाइन है दुरंध लाइन। ये जो दुरंध लाइन है ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान जो बॉर्डर शेयर करते हैं उसे हम बोलते हैं दुरंध लाइन। जिस टाइम ये लाइन ड्रॉ की गई थी उस टाइम ये डिवीजन हुआ था इंडिया एंड अफगानिस्तान के बीच में, लेकिन बाद में जब इंडिया से पाकिस्तान अलग हो गया तो आज के प्रेजेंट टाइम में जो ये लाइन है ये है आपकी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में। तो ये लाइन किसने ड्रॉ की थी, ये लाइन ड्रॉ की गई थी बाय सर मॉर्टिमर ड्यूरेंट इन अ ईयर 1896। तो पहले जब ड्रॉ की गई थी तब थी इंडिया और अफगानिस्तान, आज के प्रेजेंट टाइम में ये लाइन है बिटवीन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान, जो आपको ये मैप में नजर आ रही है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जो हमारे पास है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, 38th पैरेलल लाइन। ये पैरेलल लाइन किस-किस कंट्रीज के बीच में है, ये है आपकी साउथ कोरिया एंड नॉर्थ कोरिया कंट्रीज के बीच में जो बॉर्डर लाइन है उसे हम बोलते हैं 38th पैरेलल लाइन। जैसे कि आपको ये मैप में नजर आ रहा है, ये ऊपर वाला पोर्शन है नॉर्थ कोरिया का और नीचे वाला पोर्शन है साउथ कोरिया का। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट 49th पैरेलल लाइन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, 49th पैरेलल लाइन कौन-कौन सी कंट्रीज आपस में बॉर्डर शेयर करती हैं, ये है कंट्री का नाम है यूएसए एंड कनाडा। तो यूएसए और कनाडा का जो बॉर्डर है, जैसे आपको यहाँ पे नजर आ रहा है यूनाइटेड स्टेट्स और कनाडा के बीच में जो बॉर्डर है वो है आपका 49th पैरेलल लाइन। अगर इक्वेटर से मूव किया जाए तो नॉर्थ वाली साइड पे 49 डिग्री पे एक लाइन ड्रॉ की गई है जिसका नाम है 49th पैरेलल लाइन। इससे रिलेटेड एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये जो आपकी 49th पैरेलल लाइन है इसे हम और किस नाम से जानते हैं, इसे हम जानते हैं मेडिसिन लाइन के नाम से। तो मेडिसिन लाइन कौन सी है, ये भी है आपकी 49th पैरेलल लाइन। आगे मूव करते हैं, नेक्स्ट लाइन है आपकी हिंडनबर्ग लाइन। तो ये हिंडनबर्ग लाइन कौन कौन सी दो कंट्रीज आपस में शेयर करती है, ये शेयर करती है पोलैंड एंड जर्मनी। तो पोलैंड एंड जर्मनी के बॉर्डर को हम बोलते हैं हिंडनबर्ग लाइन। जैसे ये आपको मैप में नजर आ रहा है, ये जो रेड कलर का आपका बॉर्डर है ये है हिंडनबर्ग लाइन। नेक्स्ट बॉर्डर है हमारे पास ऑर्डर नेसे लाइन। ये भी कौन कौन सी कंट्रीज के बीच में है, पोलैंड एंड ईस्ट जर्मनी के बीच में है। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हिंडनबर्ग लाइन एंड ऑर्डर नेसे लाइन। 1917 कौन सा टाइम पीरियड है, जिस टाइम पे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे जो बॉर्डर बनाया गया था बिटवीन पोलैंड एंड जर्मनी वो कौन सा बॉर्डर था आपका, वो था आपका हिंडनबर्ग बॉर्डर। उसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो बॉर्डर बनाया गया पोलैंड एंड ईस्ट जर्मनी वाली साइड पे उसका नाम है ऑर्डर नेसे बॉर्डर। आगे मूव करते हैं, अगली जो लाइन है हमारे पास वो है 17th पैरेलल लाइन। और 17th पैरेलल लाइन कौन कौन सी दो कंट्रीज के बीच में है, ये है आपकी साउथ वियतनाम एंड नॉर्थ वियतनाम के बीच में जो लाइन ऑफ डिवीजन है इसे हम बोलते हैं 17th पैरेलल लाइन।
आगे मूव करते हैं, आगे हमारे पास 20th पैरेलल लाइन। तो 20th पैरेलल लाइन डायरेक्टली याद रखना है आपको कि कौन कौन सी दो कंट्रीज के बीच में है, लीबिया एंड सूडान। इन दोनों के बीच में ये जो छोटा सा डिवीजन दिख रहा है आपको रेड कलर में, इसी को हम बोलते हैं 20th पैरेलल लाइन। आगे मूव करते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास 22nd पैरेलल लाइन। तो 22nd जो पैरेलल लाइन है वो कौन कौन सी कंट्रीज के बीच में है, ये है इजिप्ट एंड सूडान के बीच में। तो ये जो आपका सूडान वाला पोर्शन है और इजिप्ट वाला पोर्शन है, इनके बीच में जो बॉर्डर लाइन बनाई गई है उसका नाम है 22nd पैरेलल लाइन। आगे मूव करते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास 31st पैरेलल लाइन। 31st जो पैरेलल लाइन है वो कौन कौन सी दो कंट्रीज के बीच में है, इराक एंड ईरान। इराक और ईरान का जो बॉर्डर है वो है 31st पैरेलल लाइन। आगे मूव करते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास मैगिनॉट लाइन। जो मैगिनॉट लाइन है आपकी वो बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी भी गई है। कौन कौन सी दो कंट्रीज के बीच में आती है ये लाइन, ये आती है जर्मनी एंड फ्रांस के बीच में। इससे पहले जो हम पढ़ चुके हैं वो हमने पढ़ा था जर्मनी एंड पोलैंड के बारे में। अब ये कौन सी लाइन है, ये लाइन है जर्मनी और फ्रांस के बीच में। तो जर्मनी और फ्रांस के बीच में ये जो आपको रेड कलर में लाइन दिख रही है, दैट इज मैगिनॉट लाइन। आगे मूव करते हैं, आगे है आपके पास सीज फ्राइड लाइन। तो अब सीज फ्राइड लाइन भी कौन कौन सी कंट्रीज के बीच में है, ये भी जर्मनी एंड फ्रांस के बीच में ही है। तो इसका मतलब मैगिनॉट लाइन भी कहां पर है, जर्मनी एंड फ्रांस के बीच में, एंड सीज फ्राइड लाइन भी कहां पर है, जर्मनी और फ्रांस के बीच में। जैसे मैप में आप इनका डिफरेंस देख सकते हैं, ये जो ग्रीन कलर वाली लाइन है ये कौन सी लाइन है, मैगिनॉट लाइन, और ये जो रेड कलर वाली लाइन है ये लाइन है आपकी सीज फ्राइड लाइन। आगे मूव करते हैं अगली लाइन की तरफ। जो नेक्स्ट बॉर्डर है हमारे पास वो है मैनरहेम लाइन। तो मैनरहेम लाइन किस किस के बीच में है, ये है रशिया एंड फिनलैंड के बीच में। तो याद रखेंगे हम इसको डायरेक्टली कि रशिया और फिनलैंड के बीच में जो आपका इंटरनेशनल बॉर्डर है उसका नाम है मैनरहेम लाइन। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, नेक्स्ट है हमारे पास ब्लू लाइन। तो ब्लू लाइन किस किस का बॉर्डर है, ब्लू लाइन है बॉर्डर ऑफ लेबनन एंड इसराइल। तो जैसे आप मैप में देख सकते हैं कि लेबनन और इसराइल के बीच में ये जो ब्लू कलर की लाइन ड्रॉ की गई है, इसे ही हम बोलते हैं ब्लू लाइन। तो ये है इन दोनों कंट्रीज का इंटरनेशनल बॉर्डर। तो ये हमने डिस्कस किए आपके सारे के सारे इंटरनेशनल बॉर्डर लाइंस और उनसे रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें। आई होप आपको आज का ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको आज का ये सेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। हम मिलेंगे आपसे इसी तरह के इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।